ये वीडियो मैं पामिस्ट्री का हिंदी में बना रहा हूँ और इसमें बस मैं केवल एक चीज़ के बारे में बात करूँगा जो हमें सक्सेस उन्नति की तरफ लेके जाता है, वो है समर्पण। तो समर्पण भाव कैसे देखा जाए आपके हाथ के अंदर? जो व्यक्ति समर्पित होगा वो 110% सक्सेस उसे मिलेगा। तो समर्पण देखने के लिए हम दिल की रेखा को देखते हैं। अगर दिल की रेखा साफ सुथरी हो तब ये पता लगता है कि ऐसा व्यक्ति समर्पित होता है अपने काम को लेके। कई लोगों के हाथ में यही रेखा साफ सुथरी नहीं होती है, उसके ऊपर इस टाइप से अनक्लियर टाइप की होती है। तो जब भी इस टाइप की अनक्लियर रेखा होती है या फिर इस दिल की रेखा के ऊपर काफ़ी सारी शाखाएं अगर आ जाती हैं, तो शाखाएं होना अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति कभी कुछ करता है और कभी कुछ और करता है और एक चीज़ पे टिक नहीं पाता है। जो व्यक्ति एक चीज़ पे नहीं टिक पाएगा और अपने कार्य के लिए समर्पित नहीं रहेगा, उसे सक्सेस मिलने में उतनी ही देरी और डिफ़िकल्टी होगी। तो इस वजह से जो साफ़ सुथरी रेखा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कंपेयर टू जिसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे ब्रांचेस हों। अब यही रेखा अगर काफ़ी ब्रॉड हो जाए, चौड़ी हो जाए, तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का दिल कमज़ोर होता है और घबराहट होती है। जो व्यक्ति घबरा जाएगा वो और डर जाएगा, वो उसे सक्सेस मिलने नहीं मिल सकती है। और इस वजह से मैं सबसे पहले अगर कुछ चीज़ कुछ देखता हूँ हाथ में तो दिल की रेखा ही देखता हूँ। पैसे की रेखा चाहे इतनी अच्छी ना हो लेकिन दिल की रेखा अच्छी होनी ज़रूरी है। दिल बेसिकली आपका जो फिज़िकल दिल है उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कितना कितना स्ट्रांग है। और जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं, उसको किस तरह से फेस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल और केवल समर्पण का भाव आपको दिखाना चाहता हूँ दिल की रेखा पे। और दिल की रेखा पे अगर ऐसे कई लोगों की आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस होती हैं तो आइलैंड द्वीप अगर इस टाइप के होते हैं तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति लंबे समय तक इमोशनल टर्मोइल में रहता है और इमोशनली अनस्टेबल रहता है और इलॉन्गेटेड पीरियड्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेस मिलता है, मतलब कि लंबे समय के लिए इमोशनल स्ट्रेस। यहाँ पे जैसे एक लाइन आ रही है वो दो में स्प्लिट होती है, दो में उसका विभाजन और दो में यहाँ पे आके वाइड और फिर मर्जिंग इन ऑफ लाइन्स होती हैं, मिलती हैं इकट्ठे में, एक सिंगल लाइन आगे चलती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, और यहाँ पे यहाँ के बाद से ये टेपरिंग है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की कमी आनी शुरू हो जाती है और जब सिंगल हो जाती है तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल पे इसको सब्सक्राइब करिए। ज़्यादातर वीडियोस इंग्लिश में हैं लेकिन कुछ वीडियोस, बहुत कम वीडियोस मैं हिंदी में भी बनाता हूँ। धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो देखा।